अगला क्वेश्चन भी है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ए बी माइनस बी ए वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स नॉट बोथ इक्वल टू जीरो इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इस बार मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए बी माइनस बी और ए, ए बी माइनस बी और ए, इसको क्या कर लो, कोई एक ए मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप है या नहीं है चेक करना है। ए और बी रियल नंबर है, ए और बी को चेंज करते रहोगे आपके पास अलग अलग मैट्रिक्स बनते रहेंगे, इसलिए उसने मैट्रिसेस वर्ड यूज किया है जहां पे ए एंड बी आर, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स नॉट बोथ इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। तो पहले क्या बोलते हैं, वही जो पहले किया था कि लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स, सेट बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। ठीक है, अब जी के अंदर सभी सेट, सभी मैट्रिसेस आ जाएंगे, ए और बी को चेंज करते रहो, जो अलग अलग मैट्रिसेस बन रहे हैं उनको एक सेट के अंदर रख दिया जिसको जी से डिनोट कर दिया। ठीक है, हमको दिखाना क्या है, टू प्रूव कि जी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप। ठीक है, इज अ ग्रुप। तो पहले क्या करते हैं, ग्रुप के पहले प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मार्कल को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, चलो बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो वही है, लेट मान लेते हैं हमारे पास एक ए वन और ए टू दो मैट्रिसेस हैं जो जी के अंदर से आते हैं। ए वन ए टू कैसे बनेगा, ए वन कर, ए वन कितने के बराबर होगा, हमारे पास ए वन बी वन माइनस के बी वन ए वन के बराबर होगा, ऐसे ही ए टू कितने के बराबर होगा, ए टू बी टू माइनस के बी टू ए टू के बराबर होगा। ठीक है, सच दैट अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए वन ए टू तो वो भी क्या होगा, जी के अंदर से ही आएगा, वो भी एक टू क्रॉस टू ऑर्डर का ही होने वाला है। अब एलिमेंट कुछ चेंज हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ तो नया मिलने वाला है, वो सबको मैं मालूम है, लेकिन क्या होगा, वो भी एक टू क्रॉस टू का होगा, मतलब जी के अंदर से ही आने वाला है। ठीक है, ए और भी रियल नंबर है तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टी एप्लीकेशन। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिविटी के बारे में। तो आपको भी मालूम है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमेशा ही एसोसिएटिव होते हैं, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आर ऑलवेज ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है यार, रुको थोड़ा सा, चलो तो कंटिन्यू करते हैं, आर ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है, फिर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या करते हैं, वही जो पहले काम किया था, वी हैव, वी नो दैट दैट इफ हमारे पास एक मैट्रिक्स है मान लेते हैं डी, और उसको अगर हम ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमको ए ही मिल जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, डी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन डी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी एलिमेंट बोल दो। ठीक है, चलो क्या करते हैं, अब मान लेते हैं लेट डी इज इक्वल टू 1001 और ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी माइनस बी ए, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ए मैट्रिक्स हमको दे ही रखा है ए बी माइनस बी ए, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सच दैट अगर हम डी इंटू ए निकालते हैं तो मतलब क्या, 1001 इंटू में क्या ए बी माइनस बी ए, तो कितना मिलेगा, 1 इंटू ए ए हो गया, 0 इंटू माइनस बी जीरो हो गया, 1 इंटू बी बी हो गया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे माइनस बी हो गया, यहाँ पे 0 यहाँ पे ए हो गया, तो यही क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है। तो हम क्या बोलेंगे, डी इक्वल टू 1001 इज द, लास्ट में लिख देना, हैंस डी इक्वल टू 1001 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, चलो आप क्या करो, इसको नोट करो, बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में। ठीक है, आप क्या करो, ऊपर का नोट करो, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, चलो तो बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वी नो दैट इफ कोई हमारे पास एक ई मैट्रिक्स है जो भी क्या जी के अंदर से ही आता है,
यहाँ पे भी लिख देना, ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया था। बिनो दैट हमारे पास कोई अगर डी मैट्रिक्स है, इफ डी हमारे पास मैट्रिक्स है जो भी जी के अंदर से आता है, ठीक है, ए और बी रियल नंबर है ना, तो वही बोल दिया कि ए और बी को अगर वन वन ले लिया तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास बन जाने वाला है। ठीक है, चलो क्या करो, नोट करो इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो क्या, इफ इज बिलोंग्स टू जी सच दैट, क्योंकि आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों का कंडीशन यही होता है कि जिस भी आप एलिमेंट को बाहर से मान रहे हो, आइडेंटिटी को भी मान रहे हो, तो वो भी उसी सेट के अंदर से आना चाहिए, इनवर्स को मान रहे हो वो भी उसी सेट के अंदर से आना चाहिए। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना, बहुत पहले की बात है। ठीक है, सच दैट अगर हम क्या करते हैं, ई के साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डी मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। हियर डी इज इक्वल टू वन, डी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन वन जा वन, जीरो जीरो, मतलब क्या है, डी का वैल्यू कितने के बराबर है, वन के बराबर है। देन अगर हम बात करें ई के बारे में, तो वो कितने के बराबर होगा, वन अपान ए के बारे में, सो वन अपान ए के बराबर होगा। इसको कोई इक्वेशन नंबर वन बोल दो तो क्या बोलोगे, देन फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव ए इज इक्वल टू वन अपान ए, मतलब क्या, ए इनवर्स के बराबर है। अब ए इनवर्स तो निकालने आता ही है, वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपान डिटर्मिनेंट ए एड जॉइन ऑफ ए के बराबर, जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यार, अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में, तो वो कितने के बराबर होगा, ए बी माइनस बी ए, मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर के बराबर, तो ये जीरो के बराबर है ही नहीं, तो आराम से हम लास्ट में ये वैल्यू यूज कर लेंगे। ठीक है, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, आप क्या करना, इस लाइन को लिखने के बाद ए इनवर्स ये लिख देना, फिर क्या करना, इसको सॉल्व कर देना और फिर बता देना कि वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करने वाले, इसको हटाने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एडजॉइन ऑफ ए निकालते हैं, तो वो कैसे निकलता है, माइनर को माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले बात करते हैं माइनर के बारे में, तो माइनर क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट का निकलता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ए के बारे में, तो इसके छोड़ो, इसको छोड़ो, क्या बचा, ए बचा। बी के बारे में, बी का माइनर इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, माइनस बी बचा। ए माइनस बी के बारे में बात करते हैं, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, बी बचा। ए के बारे में बात करते हैं, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ए बचा, तो ये हो गया माइनर। अब कोफैक्टर के बारे में बात करते हैं, तो कोफैक्टर के लिए क्या करो, माइनर के अंदर माइनस वन के पावर आई प्लस जे कर दो, आई क्या है, रो, जे क्या है, कॉलम। ठीक है, अब क्या करो, इसी से मल्टीप्लाई करो हर जगह, तो ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आई का वैल्यू वन, जे का वैल्यू वन, मतलब वन प्लस वन टू, माइनस वन के पावर टू वन, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आई का वैल्यू वन, जे का वैल्यू टू, वन प्लस टू थ्री हो गया, माइनस वन के पावर थ्री, मतलब क्या, माइनस वन, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो गया। यह क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, टू वन थ्री, माइनस वन के पावर थ्री, वन हो गया, तो क्या आ गया, माइनस का बी आ गया। अब यहाँ यहाँ पे ए है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, टू टू फोर, माइनस वन के पावर फोर, वन आ गया, तो ये हो गया को फैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए मिल जाएगा। ट्रांसपोज करो, ए बी नीचे आ गया, माइनस बी ए यहाँ पे हो गया, तो यही हो गया एडजॉइन ऑफ ए। तो क्या आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट, सॉरी, हमारे पास ए इनवर्स क्या आ गया, ए इनवर्स हमारे पास आ गया ए माइनस बी, बी और ए आ गया। ठीक है, चलो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है ना, तो वन अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, चलो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमको चेक भी करना पड़ेगा कि जो हमने किया वो सही है कि नहीं है, तो हमको क्या मिल गया, ए इनवर्स का वैल्यू मिल गया, सच दैट। अब क्या करते हैं, अगर हम ए इनवर्स ए करते हैं तो देखते हैं कितना मिलता है। ठीक है, तो ए इनवर्स का वैल्यू कितना है, वन अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी बाहर रखो, पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो। मैट्रिसेस क्या क्या है हमारे पास, ए माइनस बी, बी और ए है, और एक ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी माइनस बी और ए है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, ए इंटू ए स्क्वायर, अभी ये चीज़ बाहर है, यहाँ पे चलो लिख दो, वन अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर, और फिर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, और फिर क्या है, ए इंटू बी, ए बी हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए, माइनस का बी ए हो जाने वाला है, बी इंटू ए, बी ए हो जाने वाला है, प्लस ए इंटू बी, मतलब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये भी मतलब क्या, ये भी मतलब जीरो ही होने वाला है। फिर क्या, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलने वाला है, तो यहाँ पे ये जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का नोट कर लो, ऊपर करते हैं अब। ठीक है,
चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स ए का वैल्यू 1/a² + b² तो बाहर है ए, मैट्रिक्स के अंदर बचा हमारे पास a² + b² 0 0 a² + b² अब आपको भी मालूम है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई एक कॉन्स्टेंट है तो हर जगह मल्टीप्लाई में जाएगा, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a² + b² / a² + b² हो जाने वाला है। और यहाँ पे जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0/a² + b² बनेगा, मतलब वो भी क्या जीरो ही हो जाने वाला है। यहाँ पे भी क्या 0/a² + b² मतलब 0/something मतलब क्या जीरो ही। और यहाँ पे क्या होगा a² + b² / a² + b² तो काट सभी काट के क्या होने वाला है, वन ही होने वाला है। तो ये क्या हो गया सिंपली हमारे पास 1 0 0 1, यही क्या था हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो हम क्या बोलेंगे, Hence, A इनवर्स का वैल्यू कितने के बराबर है 1/a² + b² और साथ में क्या a - b, b a इज द लेफ्ट इनवर्स। ठीक है, चलो ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में, Hence, G इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, Hence, G इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो क्या करो इसको नोट कर लो, हम क्या करते हैं इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो आप।